From today, we are starting this new series of question and answer session in which I will be taking one question aur uska jawab main aapko dene ki koshish karungi and we are going to learn and live a beautiful life together. The question from Sobia's sister is, she's from Gujranwala and Sobia asks, unka ye sawal hai ki main apni zindagi ko किस तरह से तब्दील कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी को यानी अपनी ज़िंदगी की मंजिल को किस तरह से बदल सकती हूँ। सबसे पहले तो सोबिया, मैं आपको ना मुबारकबाद देना चाहूँगी इस सवाल के ऊपर और इस सोच के ऊपर कि आपने ये सोचा कि आपको अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं बताई कि क्या इश्यूज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, और जो इश्यूज़ हैं वो मैं ज़ाहिर है पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती, मगर मैं इन बिटवीन द लाइंस हम बेसिक आइडिया और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को या हम अपनी ज़िंदगी की मंजिल को, डेस्टिनी को कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी की मंजिल को तब्दील कर सकें? तो जवाब है एब्सोल्युटली, हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से बेहतरीन मंजिल तक पहुंचा सकें। अब दूसरा सवाल आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे होगा। वो इस तरह से होगा कि हम अपनी सोचों के रुख को ज़रा सा तब्दील करेंगे। ज़रा सा जैसे ही वो तब्दील होगा तो हमारी ज़िंदगी की जो ट्रैक है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जब वो तब्दील होगा तो हमारी ज़िंदगी की जो मंजिल है वो तब्दील हो जाएगी, हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। किस तरह से, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये जो हमारी सोचें होती हैं, ये जो हमारी हर लम्हा जो हमारे ज़हन में ख़यालात चल रहे होते हैं, हमारे ये ख़यालात जो होते हैं ये होते हैं बीज। ये हैं वो बीज, कहते हैं ना कि मिट्टी में जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही दरख्त उगेगा, और जैसा दरख्त उगेगा वैसे ही उसके ऊपर फल लगेगा। यानी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जब आप आम का बीज बोएंगे, अगर आप किसी सब्ज़ी का बीज बोएंगे तो ज़ाहिरी बात है जो दरख्त निकलेगा वो आम ही का निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बीज प्याज का बोया हो मगर दरख्त जो है वो आम का निकला। जिस चीज़ का बीज बोएंगे वही चीज़ जो है उसी चीज़ का दरख्त ग्रो करेगा, और जिस चीज़ का दरख्त ग्रो करेगा उसी चीज़ के यानी उसी बीज के फिर फल लगेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हेल्दी बीज होगा, जितनी आला क्वालिटी का बीज होगा, उतनी आला क्वालिटी का फल या सब्ज़ी उगेगी। तो हमें एक बात का तायुन करना है आज, और वो तायुन ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में हम अपने ख़यालात का सुपर क्वालिटी, खूबसूरत बेहतरीन क्वालिटी के ख़यालात का बीज बोएंगे तो हमारी ज़िंदगी में जैसा बीज हम खूबसूरत ख़यालात का बोएंगे वैसे ही हमारे अल्फाज निकलेंगे, वैसे ही हमारी ज़बान से अल्फाज निकलेंगे, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं हम बोल रहे होते हैं, जो हम बोलेंगे वही फीलिंग हम क्रिएट करेंगे, और जैसी फीलिंग हमारी क्रिएट होगी वैसी ही वाइब्रेशंस हम अपनी बॉडी से रेडिएट करेंगे इन दिस वर्ल्ड। और वो जो वाइब्रेशंस हम रेडिएट करेंगे इन दिस वर्ल्ड
वो फल होगा जो उन खूबसूरत ख्यालात का, उन सुपर क्वालिटी ख्यालात का हम अपने जहन में बीज बोएंगे। सो सोबिया, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि आप अपनी जिंदगी और अपनी मंजिल का तायुन खुद कर सकती हैं अपनी सोचों का ख्याल रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ज़िंदगी में दोस्तों ने आपको आपस में हाथ देखते देखते, या अगर किसी को कोई एस्ट्रोलॉजी का शौक़ है या हाथ देखने का शौक़ है, तो ऐसे ही मजाक मजाक में कई दफ़ा फ्रेंड्स जो हैं वो हाथ दिखाती हैं और कई बातें आपको अच्छी पता चलती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग ऐसे तुक्के लगा देते हैं जो गलत होती हैं। अब होता ये कि जब आपको कोई पामिस्ट या कोई आपको एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसी नेगेटिव बात बताता है आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से, आपकी शादी के हवाले से, अब होता ये है कि हम अपने जहन में वो नेगेटिव ख्याल जो है वो इस तरह से रख लेते हैं सबकॉन्शियस में कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब बेहतरीन भी हो रहा है तो भी आपको यूं लगता है कि जैसे ओहो, ज़रा सी कोई हलचल हुई, ज़रा सी कोई प्रॉब्लम आई, चाहे उसमें गलती आप ही की अपनी क्यों ना हो, मगर आपको जहन में वो ख्याल आ जाता है, वो बात आ जाती है जो एक शख्स ने एक बात कह के, एक नेगेटिव बात कह के आपके जहन में वो नेगेटिव बीज बो दिया होता है। और उस चीज़ को सोच सोच के चाहे अल्लाह ने आपको बेहतरीन आसाइशें दी हों, बेहतरीन हर हालात वाकयात हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में परफेक्ट हो, मगर आपकी वो एक सोच जो सब कॉन्शियस में आपके चल रही होती है वो आपको सोचने पे बारहा मजबूर करती है, आपको डिप्रेस भी कर देती है, आपको परेशान भी करती है, आप हर वक्त फियर में रहते हो कि ओहो उस शख्स ने ये बात कही थी तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है एंड दैट। और होता ये है कि ऐसा शायद कुछ गलत होना होता भी नहीं है, मगर हम अपनी सोचों की वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाते हैं, तो अगर किसी एक शख्स की कही हुई एक ऐसी बात जो आपके जहन में वो बीज डाल गई है और उसकी कही हुई बात की वजह से आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत रियलिटी को भी नेगेटिविटी में बदल रहे हैं, तो आप ये सोचें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें क्रिएट करेंगे, अच्छा सोचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे योर लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, मे बी टुडे यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद योर जॉब, अपनी जॉब में आपको प्रॉब्लम है, या आपके अपनी फैमिली के किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अब अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव सोच क्रिएट करना शुरू कर दी कि ये लोग, मेरा तो नसीब ही बुरा है, मेरे साथ तो होता ये सब कुछ है, मेरे साथ तो हर कोई बुरा करता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट हम अपनी सिर्फ सोच अगर बदलें, और सोच क्या बदलेंगे हम, वो जो हम अपनी ज़िंदगी की रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, हम जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, हम वो उस एहसास में आ जाएं और ये कहना शुरू कर दें कि मेरी जॉब पे मेरे तमाम मामलात परफेक्ट हैं, मेरा बॉस अगर आपसे खुश नहीं भी है तो भी आपने यही थॉट्स क्रिएट करने हैं कि मेरा बॉस बेहतरीन बॉस है, मेरा बॉस कि मैं फेवरेट हूँ, या मेरा बॉस मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आसानियाँ पैदा करता है, मेरा बॉस इज़ द बेस्ट बॉस। जब आप ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, गो के ये रियलिटी नहीं है, दिस इज़ not the reality, but once you will start thinking about this, your thoughts will change your reality, your positive thoughts will change your
destiny exactly the way somebody said anything negative, तो वो आपके subconscious में इतना ज़्यादा बैठ गई कि आपके best circumstances में भी आपको लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ, मुझे पता है मेरे साथ ये मसला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा था। इसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें perfect नहीं भी हैं, आपने बारहा बारहा ये बात कहनी है, ये बात कह कह के, ये सोच के, ये क्रिएट करके, ये बात बोल के, यही वाइब्रेशंस उस शख्स को जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये देखे कि वो मेरे हक में बेहतरीन है, वो मेरे लिए बेहतरीन सोच रखता है और मेरा उसके साथ बेस्ट रिलेशनशिप है, तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला इंसान, आपकी सोचों के उस खूबसूरत क्वालिटी थॉट की वजह से इतनी मैजिकल शिफ्ट क्रिएट करेगा, ऐसा जादू क्रिएट करेगा दैट यू विल फील दिस इज द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड यू विल सी ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारी जो पुराने ज़माने की अकलमंद, बाशऊर, वाइज, हिकमत वाली जो माएँ थी ना, जब उनका बच्चा कभी गिर जाता था या किसी तकलीफ में होता था या कोई गलती करके आता था, तो माएँ गले से बच्चे को लगा के पता क्या कहती थी, मेरा बच्चा अगर गिर गया है और वो डर गया है, तो माँ कहती थी मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, मेरी बेटी तो सबसे आगे फर्स्ट आने वालों में से है। तो वो इस तरह से जो है वो बच्चों को मोटिवेट करती थी। आज हम देखते हैं कि ज़रा सा बच्चा कोई खाना नहीं खाता या माँ की बात नहीं मानता, तो हम इतनी नेगेटिव थॉट्स ना सिर्फ ख़ुद से क्रिएट करते हैं, दैट नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वी स्टार्ट टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर मदर्स, टू आवर सिस्टर्स, और हर कोई उस बच्चे की नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव जो क्वालिटी है, उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। और इस कदर उसके बारे में बात होती है कि बच्चे की जो हैबिट है वो इतनी ज़्यादा पक्की हो जाती है बाय, क्योंकि वो हर वक्त यही सुन रहा होता है, यही वाइब्रेशंस बच्चे को जा रही होती हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वो फोकस ये है कि हमें अपनी सोचों की, जो सोचे हैं, जो ख्यालात हैं, वो क्वालिटी ऑफ थॉट जो है उसको बेहतरीन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सोचे हैं, ये जो ख्यालात हैं, ये हमारा वो बीज है जो हम बोएंगे, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो हमारे काम में हो, चाहे वो हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, ये सोचें जो हैं वो हमारे रिश्तों को खूबसूरत बना देती हैं, और ये सोचें ही होती हैं नेगेटिव जो हमारे खूबसूरत तरीन रिश्तों को तहस नहस कर देती हैं। और फिर हम आखिर में कहते हैं नज़रें लग गई हमें, उन्हों तो नज़र खा गई है, एंड वी डू नॉट रियलाइज कि हम सोच क्या रहे थे, हमने अपनी सोचों से कितनी बददुआएं दी अपनों को, हमने अपनी सोचों से अपने आप को कितनी बददुआएं दी। ये सोचें जो होती हैं ना, अगर ये हाई वाइब्रेशन थॉट्स हों, तो ये हाई वाइब्रेशन थॉट्स इक्वल टू दुआ, ब्लेसिंग्स, और लो वाइब्रेशन थॉट्स यानी नेगेटिव सोचना अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, अपने काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, ये बददुआ होती है। तो क्या हम अपने आप को कभी बददुआ देना चाहेंगे? नेक्स्ट टाइम नेगेटिव थॉट्स अपने से रिलेटेड लोगों के लिए क्रिएट करने से पहले, अपने लिए क्रिएट करने से पहले, घर से निकलने से पहले, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपने अपने आप को बददुआ नहीं देनी, क्योंकि
नेगेटिव थॉट क्रिएट करने का मकसद ये है, आपने अपने आप को बद्दुआ दी है, आपने जिन लोगों के लिए थॉट क्रिएट किया है उन्हें बद्दुआ दी है। और हम चाहते हैं कि हम दुआ और सलामती ही लोगों पर भेजें, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आई होप सोबिया कि आज के इस जवाब ने आपकी मुश्किल को, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था, उसको थोड़ा आसान किया होगा। लगता है कि पॉजिटिव सोचना जो है वो बहुत मुश्किल है, बट अगेन इट्स जस्ट वन थॉट। योर सक्सेस, योर ब्यूटिफुल डेस्टिनी इज जस्ट वन थॉट अवे। अच्छी सोचें आपको खूबसूरत मंजिल के करीब लेकर जाएंगी, नेगेटिव सोचें आपको मुश्किलों, परेशानियों, नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। फैसला आपका है, आपने क्या करना है, आपको अपनी मंजिल को खूबसूरत बनाना है या मुश्किलों और कांटों भरी बनाना है। एंड आई नो द आंसर, वी ऑल नो द आंसर, वी वॉन्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनी एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी बाई शिफ्टिंग आवर थाट्स फ्रॉम नेगेटिव थाट्स टू ब्यूटिफुल बेस्ट क्वालिटी हाई वाइब्रेशन ब्यूटिफुल थाट्स। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, थिंक पॉजिटिव and look after yourself. Assalamu alaikum.